भगवान ब्रह्म निष्ठा का क्या स्वरूप है? यदि यह साधन साध्य है जैसी कि होनी चाहिए बुद्धि की ही एक अवस्था होने के कारण, तो उसका कर्ता कौन है, उसका साधन क्या है और निष्ठा में मूल अधिक्य का क्या स्वरूप है? श्रवण मात्र से भी यह निश्चय हो जाता है, तत्व श्रवण मात्र आपको प्रबोध देते हैं।
आजीव और विद्या को पर श्रवण होता है और श्रवण से जिसको संदेह वस्तु का अवरोध साक्षात्कार हो जाता है उसमें कर्म वही नहीं करता है और किसी साधन की प्राप्ति के लिए साधना करने की भी आवश्यकता नहीं रहती है और जो श्रद्धा है स्थिरता से पहले निश्चय के पूर्व वही निष्ठा बन जाते हैं। निष्ठा माने जो कभी विचलित न हो, निष्ठा धातु गति वृद्धि के रूप में है और निष्ठाम स्थिति तो ये निष्ठा प्राप्त हो जाते हैं। अब यदि किसी को और कदाचित पूर्व जन्म की साधना हो तो केवल शास्त्र से और निर्वचनीय वस्तु के संबंध में साधन का भी नियम नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयं प्रकाश भी है शुक्राचार्य की जो उपासना है तो यदि ये प्रकाशित हो जाए और साधनाएं अंतकरण में हो और मन की दूसरे हो तो जैसे भूख लगने पर भोजन करते हैं जैसे रोग होने पर दवा करते हैं जैसे अन्न की प्राप्ति के लिए खेती करते हैं उसी प्रकार साधना रूप दुख की निवृत्ति के लिए साधन भी कर लेना चाहिए। जिन जिन प्रकारेण शुभा भवति विंशति पंचदशी काल कहते हैं चाहे जिस प्रकार से भी रोटी मिले तो रोटी मिले चावल मिले चावल हलवा पूरी मिले तो हलवा पूरी मिले नहीं तो कहीं का तो दूर घर से कहीं पत्ते से कई ऐसे पतले होते हैं पत्ते होते हैं जिनको खा करके भी सुभाग की रोटी की जा सकती है। शीशम के पत्ते में बहुत शक्ति है शीशम प्रयोग होता है इसको पीस के और बिल्कुल इतना लगाव करता है एक बड़ी बूटी होती है एक अनंत बूटी होती है वो एक निकाल कर तो ये भी तीन प्रकार जैसे करने पर उसको देखते करते निवृत्त कर देते हैं वैसे वासना का उदय होने पर कामान भगवान का ध्यान करने बैठ गए नाम संकीर्तने न कहीं नाम का संकीर्तन करने लगे कहीं पूजा में लग गए कहीं स्थिर होकर के बैठे बाबा कहते थे हिलो मत बोलो मत और सोचो मत तो देखो तत्वज्ञानी पुरुष कर्म करते निष्ठावान नहीं होता है शासन करके निष्ठावान नहीं होता है बल्कि सब साधनों का परित्याग करके निष्ठावान होता है। ये जो निष्ठावत का निश्चय है निष्ठावती से उपलक्षित निष्ठान है वही अपना आत्मा में स्वयं प्रकाश अपने स्वयं प्रकाशता का निश्चय करो तुम किसी से उत्पन्न नहीं हो तुम किसी दूसरे के प्रकाश को लेकर प्रकाशित नहीं होते हो तुमसे किसी दूसरे प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है वो प्रकाश नहीं है किसी भी संबंध की अपेक्षा नहीं है ये निश्चय हो जाने पर निष्ठा 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 का भाव हो तो होगी और निष्ठा का बेटा हो तो होगी वो स्वयं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे और जगत स्वामी जी महाराज ने कहा आपू जमान अजर प्रवेशम समुद्र बाप प्रवेशम की जरूरत तदव कामना निष्ठा की कामना भी तुम्हारी स्वयं पूर्ण होगी उसको करना नहीं पड़ेगा लेकिन वस्तु का रोग ठीक ठीक होना चाहिए और उसके लिए पहले उन्हीं के लिए चरित्र शुद्धि माने धर्मानुष्ठान और उससे
की कक्षा है भागवत देवी और उससे भी उसकी कक्षा है बुद्धि ज्ञान बुद्धि की परिपूर्ति। इन तीन कक्षाओं में स्थित हो जाओ और देखो कि इनके प्रकाशक एवं प्रकाश इनको जानने वाले के शुभ हो और इसमें ये जानी जाती है होगी तो भी। जैसे हम घड़े को आग से देखते हैं तो आग शक्ति में है और घड़ा बाहर है तो बाहर बाहर के देश में स्थित है घट और शरीर देश में स्थित है नेत्र। लेकिन ये जो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है इसका प्रकाशक नेत्र के समान अन्य देश में स्थित नहीं है और इसके द्वारा प्रकाश के जो प्रपंच है वो भी अन्य देश में घट के समान अन्य देश में अपने अपने आप से ही प्रतीत होता है और प्रतीत की जो अन्यता की होती है अन्यता की प्रतीति मिथ्या और मानव उपर परंपरा पर प्रतीति तो वस्तुता परब्रह्म परमात्मा ही है परंतु उसमें अन्यत्व जो है वो मिथ्या बुद्धि है वो निश्चय के द्वारा वेदांत ज्ञान के द्वारा प्रभाव के द्वारा अजन्य ज्ञान के द्वारा जो अपना स्वरूप है वो ज्ञानाजन्य ज्ञान है संबित निरपेक्ष ज्ञान है स्वसंबित रूप ज्ञान है। निष्ठा की जो इच्छा होती है वो व्यक्तित्व के उत्कर्ष के लिए होती है। तो व्यक्तित्व जो है पहले उस व्यक्ति निराकरण करो उसका बात कर दो तो निष्ठा तो स्वयं तुम्हारा स्वरूप ही है। ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म से पृथक नहीं होती है। आप निष्ठा निष्ठ न हो केवल निष्ठा के लिए पाप का पसीना सिर से नहीं पहुंचा मैं ब्रह्म के आत्मा ब्रह्म से एकता है उसका निश्चय होने के लिए उपनिषद के द्वारा प्रयास करें। स्वामी मेरी आपसे पहले प्रार्थना है कि यहाँ उपस्थित गृहस्थ लोगों की समझ में आने वाली भाषा में ही प्रवचन किए जाए तथा हम गृहस्थों को उस कर्म पर परमेश्वर की प्राप्ति के लिए मान आचरण करते हैं वो हमारे रिकॉर्ड होती जाती है हृदय में
और वो इसी जन्म में नहीं अगले जन्म में भी अपने को प्रकट करके सुख दुख देती है। तो बाहर के काम विकराल को शुद्ध करने के लिए तो राज्य साधन होता है और अंतकरण को शुद्ध करने के लिए धर्म साधन होता है। इसलिए आचार्य अंत्य वाचनम अनुशास्ती सत्यम वदा धर्मानुष्ठान करो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, माता को देवतासन करो, पिता को देवतासन करो, गुरु को देवतासन करो, और अतिथि जो आ जाए ना भोजन के समय उसको साक्षात भगवान का स्वरूप समझो और उसको खिला के खाओ तो बात नहीं, उसको खिला के भूखे रहो। यदि उसको खिला के भूखे रहना पड़े तो भूखे भी रह जाओ लेकिन अतिथि को अतिथि को साक्षात भगवान समझो। अगली बात है कि एक तो फर्क होता है कानूनी और एक होता है अपने हृदय से अभ्युज्ञान। और सूर्यास्त के समय जो सुझाव वर्णन करते नहीं मिलेगा उसको सजा मिल जाएगी। राजा स्वयं थोड़ी सब करके उनका करो मतलब उनको समझा नहीं करता था और उसे समझा करवाना। एक दिन देखा एक दिन क्या हुआ पंडित जी थे उनको उसके समय शौच की आवश्यकता हुई, लोटे में पानी लेकर गंगा में जा रहे थे और सामने से आ गया गोबे का राजा। अब पंडित जी ने क्या किया कि वही गोबे का पानी लोटे में जा रहे थे उसको देख के वहां बैठ गए और पवित्र पवित्र हुआ जो पंडित जी बोले महाराज ये तो हम कानूनी संध्या कर रहे हैं संध्या तो हम जब स्नान करेंगे तब करेंगे। तो जिसका जिसके हृदय धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई है जी नाम से सुखम हो जाता जी जाता काम था तेन जायात काम आगम तेन गच्छन न निश्यति। मनु जी कहते हैं तुम्हारे पिता जिस रास्ते से चले हैं पितामह जिस रास्ते से चले हैं उस रास्ते से अगर चलो तो कोई त्रुटि नहीं होगी तो वो तुम्हारा तुम्हारा हानि नहीं पहुंचावेगी क्योंकि तुम अपने पिता पितामह के द्वारा आचरित श्रद्धापूर्वक ये शास्त्र विधि को अपनी सुविधा को प्रधानता देते हो दूसरे की सुविधा आप अपने आचरण पर गौर करो दूसरे को मत देखो स्वयं अपने आचरण पर गौर करो। हम लोगों को बचपन में सिखाया गया था घर में गन्ना थोड़ी थोड़ी इसमें से गन्ना लेकर नहीं सकता हम लोगों के चूसने के लिए तो हम चाहते कि सबसे अच्छा गन्ना जो है वो पटरे पर उठा ले अपने लिए ले रहे हमारे बाबा कहते नहीं सबसे बढ़िया दाखन हमको देते हमारे बाबा करके नहीं सब लोग अपने अपने लिए दाखन ले लें तो जो बच्चे सोचते घर में साड़ी खरीद के आती है रोटी खरीद के आती है तो घर में सब लोग जो है उनके लिए अपने से अच्छी जो साड़ी हो और अपने से अच्छी जो धोती हो पहले उनको ले लें और उसके बाद तुम संतोष होकर
अप्रमाण अपने आचरण को करो, चलते हो प्रणाम करने के लिए तो किसी को पांव में लग जाए उसका प्रस्थान करना नहीं लेना, किसी से बात करते हो तो आवाज अपनी कमी न हो जाए उसका प्रस्थान करो। तो ये जो साधारण साधारण बातें हैं, कपड़े धोते हो किसी के ऊपर छींटा में पड़ जाए, चलते हो किसी को धक्का में लग जाए, एक महात्मा थे उनके पास गए तो सज्जन दर्शन करने उठिए नहीं करते, तो उन्होंने बाहर अपना जूता चटपट निकाला निकाला तो जूते पर उतर चल गया, और जब तिवाड़ी भीतर आ गए भीतर घुसे तो तिवाड़ी को खटकते लगा चोट लग गई, वो जाकर प्रणाम किया बोले महाराज बाप से कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए उपदेश ग्रहण करने के लिए, बोले पहला उपदेश यह है कि जाते एक जूते पर से दूसरे जूते को उतार और उसको नमस्कार, दूसरी शिक्षा यह है कि जो कुवाड़ी में तुमने चोट लगाई है उसको जरा सावधानी से पाप हुआ या अपराध हुआ उसमें भी फर्क फर्क परमात्मा है, जरा हमारे मुगल को भी बाबा थे हम लोग बचपन से उनका दर्शन करते मतलब हर हर स्थान और एक पर एक स्थान रखते पूरे में बहुत अवसर लग गए पूरी जगह बहुत सारा जैसे तुम्हारे ऊपर तो चढ़ के बैठे हैं तो कैसा लगे इस फल के ऊपर इस फल के ऊपर फल में क्यों है आप दूसरे के बारे में कितना सावधान रहते हैं ये देखो, इसका नाम बेहद प्रकार है। एक बार हम लोग मुनि का दर्शन करने के लिए गए थे राम के शास्त्री मेरे साथ में, वहां जाकर वो आसन पर नहीं बैठे थे बिना आसन के धूप लगी कि धूप पर बैठे हम लोग भी धूप पर बैठे और धूप पर बैठे महाराज हमारे शास्त्री तो धूप में तो धीरे धीरे धूप को ढूंढ चले गए, जैसे ये बच्चे कालीन पर बैठते हैं ना तो उसके रिश्ते जो है उनको निकालना शुरू कर रहे हैं ऐसे वो बच्चे की तरह गुरु गुरु जान करते हो गुरु जान करते हो ये पहले मिट्टी है बीज के संबंध से जड़ के संबंध से ताप के संबंध से वायु प्राण के संबंध से ये मिट्टी से रूप के रूप में आप को रूप इसको यदि गाय करेगी दूध बनेगा उस दूध को मनुष्य दिएगा तो उससे दिन उस मनुष्य को भी प्राप्त हो सकती है, केवल इतना उन्नति इतनी उन्नति कर रही है ये दुर्गा उसको ऐसे सोच रहे हो तो जो व्यवहार की जो सावधानी है ये सबसे बड़ी भगवत पूजा स्वकर्मणा सबकृति मानवा जता प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वमिदं सर्वं स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ्य सिद्धिं प्रिंसति मानवः यता प्रवृत्ति भूता नाम अर्थात जगत का जो निमित्त का घड़ा बनाने वाले कुम्हार की तरह कपड़ा बनने वाले जुलाने की तरह औजार बनाने वाले लोहे की तरह लोहे की तरह आभूषण करने वाले सुनार की तरह जो निमित्त कारण है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और जो केवल कुम्हार लोहार खुला और सुनार की तरह निमित्त कारण नहीं है बल्कि मिट्टी और सूर और लोहा और स्वर्ण के समान उपादान कारण है। अब इस कारण से चर के सब को प्रसन्नता और चरण चरण चाचर में बच जो चर है और अचर है स्थावर है और जंगम है तो हम लोगों की दृष्टि से चर और चेतन मालूम पड़ता है वो सब कौन है अनात्मन परम ब्रह्म सब संसार के लिए एक एक प्रसन्न और उसकी आलोचना कैसे करें तो आप जो करते हैं वहां से चलिए तो समाधान मत चलिए आपसे चलिए तो नारायण कभी कभी तो कितने असावधान हो गए आपसे ही इसको काट देते अपने तरफ से ही रोक कर जाता ये प्रमाद है।
निष्ठा का प्राप्त बोले हमने जान बुझके तो नहीं जान बुझके तो नहीं किया लेकिन सावधान क्यों नहीं है सावधान न होना भी एक प्रकार का पाप तो गृहस्थ के जीवन तो कर्म होना और सबसे बड़ा कर्म जो होता है वो बोलने का होता है आप झूठ तो नहीं बोलते हैं सत्य न रखे सबका हमेशा आत्मा झूठ बोलना चाहिए सत्य बोले आपकी कट भाषण छोड़िए जो प्रिय हो तो बोले सत्यम भूया प्रियम भूया न भूया सत्यम अप्रियम प्रिय जीवन अंधकम भूया इस धर्म सनातन सनातन धर्म ये है कि सत्य बोलो और प्रिय बोलो प्रिय बोलो और सत्य बोलो प्रिय बना करके झूठ मत बोलो नारायण सत्य बोलो प्रिय बोलो हित बोलो और मित्र बोलो थोड़े भी अपनी बात करो और आवश्यक हो तो बोलो और अनावश्यक हो तो ना बोलो और अवसरोचित हो तो बोलो और अवसरोचित ना हो तो मत बोलो विवाह में स्मशान यात्रा का वर्णन मत करो और स्मशान यात्रा में पुत्रोत्पत्ति और विवाह का वर्णन मत करो आप बोलने में सावधान यदि हो जाए यदि कर्म है बोला बाहरी कर्मेंद्रिय इसके द्वारा कर्म संपन्न होना यदि आप बोलने में सावधान हो जाए तो चलने में भी सावधान होंगे करने में भी सावधान होंगे जगह जगह सुनती मत चाहे जहाँ बैठ के लक्षण का मत कर दीजिए चाहे जहाँ शौच के लिए मत जाइए पवित्र वस्त्र धारण कीजिए सनातन धर्म की जो रीति है आपको एक बार उदाहरण के रूप में सुनाता हूँ अपने हाथ को शुद्ध करने के लिए मिट्टी से हाथ धोना चाहिए कि ना क्योंकि देखो जो नए जगह है हाथ में वो कार्य है और उसका कारण है मिट्टी का तो अपने कारण में मिट्टी में और जल में वो मैल जो है वो लीन हो जाएगा और छूट जाएगा और साबुन कारण में साबुन कार्य है इसलिए कार्य से कार्य की पवित्रता नहीं होगी स्वच्छता हो सकती है परंतु पवित्रता नहीं हो सकती है वो अपना दुर्गंध आपके हाथ में छोड़ कर जा सकता है तो स्वच्छता और पवित्रता का भेद कीजिए गंगा जल पवित्र होता है नारायण उत्तर का जो पानी है चाहे लाल हो चाहे पीला हो चाहे काला हो बोतल का पानी चाहे सोडा वाटर हो और चाहे कम कम हो और चाहे वो पहले कोका कोला वो अशुद्ध होता है अपवित्र होता है तो नारायण गृहस्थ को अपने चरित्र की खान पान की रहन सहन की पवित्रता पर विशेष ध्यान करना चाहिए और अपने जीवन की जो कड़ी है वो पूर्णता से जुड़ी हुई होनी चाहिए ब्राह्मण है तो ब्राह्मण समाज के साथ उसका चरित्र मिलना चाहिए हिंदू है तो हिंदू के साथ उसका चरित्र मिलना चाहिए मुसलमान है तो मुसलमान के साथ उसका चरित्र मिलना चाहिए और यदि मनुष्य है तो आपके जीवन में मनुष्यता होनी चाहिए और यदि आप अंतकरणवान जीव है तो नारायण जीव के रूप में आपकी कड़ी ईश्वर के साथ जुड़ी होनी चाहिए ये जो परिच्छिन्न है उसका पूर्णता के साथ जुड़ना वही जीवन की सार्थकता है नारायण तो ये जो परिच्छिन्न है टुकड़ा टुकड़ा है जो कतरा है सर का ये बाल उसी सर में जोड़ दे जिस सर का ये बाल है उसी सर में जोड़ दे जिस ईश्वर का ये जीवात्मा है उस जीवात्मा को ईश्वर के साथ जोड़ना है तो आप धर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा कीजिए अपने कर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा कीजिए नारायण अपने भाव के द्वारा ईश्वर की पूजा कीजिए अपनी बुद्धि के द्वारा ईश्वर की पूजा कीजिए और जैसे दिए जीवाओं से सूर्य की पूजा करते हैं वैसे अपने जीवात्मा को एक जीवाओं के रूप में देख करके परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा के सामने उसको विचार कीजिए उसको समर्पित कीजिए और उसे मिला दीजिए।
भक्त धर्म कोई अलग धर्म नहीं होता है, वो तो धर्म तो असल में एक ही है, और वो धर्म है वासना मूलक प्रवृत्ति को छोड़कर अनुशासन मूलक प्रवृत्ति में आना और अनुशिष्ट में जिससे आपको वैराग्य हो उसको छोड़ते चलिए और जो परमात्मा के पास ले चलने वाला हो उसके पास ले चलिए। और श्रीमद् भागवत की आवाज़ बढ़ा रही है आप लोग प्रयत्न।